मिथुन दा की वो 9 सबसे बड़ी फिल्में जिनकी पहली पसंद कोई और थे। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मोग्राफी अपने साथी अभिनेताओं से हमेशा से ही बिल्कुल अलग रही है। डिस्को डांसर के बाद मिली अप्रतिम शोहरत के बाद भी इन्होंने कुछ ऐसे किरदार निभाए जिन्हें निभाने का साहस शोहरत मिलने के बाद बहुत ही कम अभिनेता कर पाते हैं। मिथुन भारतीय सिनेमा के ऐसे अभिनेता रहे हैं जिनके निभाए गए किरदार भले ही जय, वीरू, राहुल या राज जैसे किरदार ना रहे हों या इनकी लिस्ट में ना आते हों, लेकिन उनकी अलग अप्रोच के कारण आज भी लोगों के जहन में ये बसे हुए हैं। लेकिन यहाँ ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि हर अभिनेता की तरह ही मिथुन चक्रवर्ती को भी अपने यादगार किरदार किसी अन्य अभिनेता के मना करने के बाद ही मिले थे। आज की इस वीडियो में हम उनके ऐसे ही कुछ फिल्मों की बात करने वाले हैं जिनकी पहली पसंद कोई और हीरो थे। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1979 में आई फिल्म तराना से, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती वाला रोल पहले अनिल कपूर को ऑफर हुआ था, लेकिन वो ये फिल्म किन्हीं कारणों के चलते नहीं कर पाए और इस तरह से मिथुन चक्रवर्ती के झोली में ये किरदार आ गया। बात करें दूसरी फिल्म की तो साल 1982 में आई फिल्म आदत से मजबूर के लिए पहली पसंद जितेंद्र थे, परंतु उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया क्योंकि वो इसके अधिकतर कास्टिंग से खुश नहीं थे। खैर, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन उनके फिल्म छोड़ने के बाद ये फिल्म आ गई मिथुन चक्रवर्ती के पास। बात करें इसी साल आई फिल्म स्वामी दादा की तो इसमें मिथुन चक्रवर्ती वाले किरदार के लिए पहले क्रमशः राज किरण और जैकी श्रॉफ के नाम पर विचार किया गया था और मिथुन इस फिल्म में शक्ति कपूर के साथ महज एक हैंड्समैन की भूमिका निभाने वाले थे। लेकिन इन्हीं दिनों मिथुन की फिल्म डिस्को डांसर रिलीज हुई और वो रातों रात स्टार बन गए। ऐसे में फिल्म स्वामी दादा के कर्ता धर्ता देवानंद साहब ने जैकी श्रॉफ और मिथुन वाले रोल को एक दूसरे से बदल दिया और इस तरह से मिथुन को फिल्म में बड़ा रोल मिल गया, जबकि जैकी श्रॉफ को शक्ति कपूर के हंट्समैन का किरदार सौंपा गया। अब बात करते हैं साल 1983 में आई फिल्म जागीर की, जिस पर पिछले 10 सालों से काम चल रहा था। तीन फरिश्ते के नाम से लॉन्च हुई इस फिल्म को पहले तरुण दत्त प्रोड्यूस करने वाले थे, पर प्रमोद चक्रवर्ती निर्देशक का काम संभाल रहे थे। फिल्म में धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन को कास्ट कर लिया गया था, लेकिन फिर प्रमोद चक्रवर्ती ने स्वयं प्रोड्यूसर का जिम्मा संभाल लिया और अमिताभ बच्चन वाले किरदार में मिथुन चक्रवर्ती को कास्ट कर लिया गया। हमारी इस लिस्ट में अगली फिल्म है शरारा, जो कि साल 1984 में ही रिलीज हुई थी। इस फिल्म के मेकर्स ने संजय दत्त को अप्रोच किया था, लेकिन वो अपनी किसी दूसरी फिल्म के लिए आउटडोर में उलझे हुए थे। ऐसे में फिल्म में हो रही देरी को देखते हुए इसके प्रोड्यूसर, जो कि हेमा मालिनी के पिता थे, उन्होंने संजय दत्त को हटाना ज्यादा मुनासिब समझा। और गौरतलब है कि इसके बाद हेमा मालिनी ने मिथुन चक्रवर्ती को इस रोल के लिए संपर्क किया और वो इसके लिए बिना स्क्रिप्ट पढ़े खुशी खुशी तैयार हो गए। बात करें फिल्म जाग उठा इंसान के बारे में तो ऋषि कपूर को पहले मिथुन चक्रवर्ती वाला रोल दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को ये कहकर मना कर दिया कि वो ग्रे शेड वाला किरदार नहीं करना चाहते। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं साल 1985 में आई मिथुन चक्रवर्ती की बेहद सफल फिल्म प्यार झुकता नहीं की। इस फिल्म के लिए भी फिल्म के निर्माता केसी बोकाड़िया जी की पहली पसंद ऋषि कपूर थे, लेकिन ऋषि जी का मानना था कि एक बच्चे के बाप का किरदार करने से उनकी रोमांटिक छवि को नुकसान हो सकता है, अतः उन्होंने इसे करने से मना कर दिया और इस तरह से मिथुन चक्रवर्ती को अपने करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक में
काम करने का मौका मिला। बात करें इसी साल आई फिल्म यादों की कसम की, तो इस फिल्म के लिए पहले जितेंद्र को कंसिडर किया गया था, लेकिन उस फिल्म की कामयाबी को लेकर जितेंद्र निश्चित नहीं थे। नतीजतन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है दिलवाले का, जो कि साल 1986 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए पहली पसंद जैकी श्रॉफ थे और उनके फिल्म छोड़ने के बाद ही इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को कास्ट किया गया था। 10वीं फिल्म इस सूची में शामिल होती है, उसका नाम है करमदाता, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती वाला रोल पहले ऋषि कपूर को दिया गया था, लेकिन वो इसके स्टार कास्ट से खुश नहीं थे। बात करें इसी समय एक और फिल्म प्यार के दो पल के बारे में, तो ऋषि कपूर को इस फिल्म के लिए साइन करने के बाद निर्माता उमेश मेहरा ने कुछ दिक्कतों के चलते उन्हें फिल्म से हटा दिया। इसका बदला लेने के लिए ऋषि कपूर ने प्यार के दो पल के जैसे ही एक कहानी पर अनिल गांगुली को फिल्म बनाने और उसे प्यार के दो पल से पहले रिलीज करने के लिए कहा, और इस तरह से प्यार के काबिल नाम की फिल्म का निर्माण शुरू हुआ। एक साल में 10 से 15 फिल्मों में काम करने वाले मशहूर मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1986 में भी कुछ इसी तरह की फिल्मों में काम किया था, और उन्हीं फिल्मों में से एक बलवान जब अनाउंस हुई तो मीडिया में ये खबर आई कि फिल्म निर्माता जैकी श्रॉफ को इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन ऋषि कपूर ने उन्हें ये फिल्म ना करने के लिए मना लिया, लेकिन फिर खुद को इस किरदार के लिए मुकुल आनंद के पास चले गए, लेकिन मुकुल आनंद ने उन्हें इसके लिए मना कर दिया और ये फिल्म मिथुन चक्रवर्ती को मिल गई। हमारी लिस्ट में अगली फिल्म की बात की जाए तो वो है कि बात बन जाए, जिसके लिए पहले अजीत सिंह को चुना गया था, जिन्हें जीनत अमान के कहने पर फिल्म से हटा दिया गया और उनकी जगह पर मिथुन चक्रवर्ती को ये फिल्म मिल गई। बात करें साल 1988 में आई फिल्म चरणों के सौगंध के बारे में, तो इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती वाला रोल पहले जितेंद्र को ऑफर किया गया था। इसी साल आई एक और फिल्म रुखसार जब अनाउंस हुई तो इस फिल्म का नाम अर्धांगिनी रखा गया था, और विनोद खन्ना इस फिल्म में लीड रोल करने वाले थे, लेकिन उनके फिल्मों से संन्यास लेने के बाद ये फिल्म मिथुन चक्रवर्ती को मिल गई। इस लिस्ट में शामिल अगली फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती। इस फिल्म पर जब साल 1985 में काम शुरू हुआ तो इसका नाम अमर अकबर एंथनी 2 रखा गया, और लीड रोल में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और जितेंद्र को लिया गया, लेकिन फिर किन्हीं कारणों के चलते जितेंद्र ने इस फिल्म से अपना हाथ खींच लिया और इस तरह से ये फिल्म मिथुन चक्रवर्ती के पास चली गई। हमारी सूची में 17वां नाम आता है साल 1989 में आई फिल्म भ्रष्टाचार का जुड़ता है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा काम करने वाले थे और उनके बाद फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को कास्ट किया गया। साल 1989 में फिल्म प्यार के नाम कुर्बान के लिए फिल्म निर्माता ने हेमंत बिरजू को साइन किया था, लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर सुभाष से कहा गया कि अगर मिथुन चक्रवर्ती फिल्म में काम करते हैं तो वो इस पर दुगना पैसा लगाने के लिए भी तैयार है। इस तरह से हेमंत की जगह फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री हुई। अब बात करें साल 1993 में आई फिल्म फूल और अंगार की, तो इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के काम को खूब पसंद किया गया था, लेकिन उनकी जगह पहले यह फिल्म अजय देवगन को ऑफर हुई थी, लेकिन अजय ने बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड कर दी, जो कि फिल्म के मेकर्स के बजट को बिगाड़ रही थी, और इसीलिए अजय देवगन की जगह मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म में साइन किया गया। लेकिन मिथुन की डिमांड भी अजय देवगन जितनी ही थी, फर्क सिर्फ इतना था कि मिथुन ने सेम प्राइस में दो और फिल्मों में काम करना स्वीकार कर लिया।
और इन दोनों फिल्मों के नाम थे आदमी और दैट डॉन। अब आगे बात करते हैं साल 1993 में ही आई फिल्म युगांधर की, जिस पर 3 साल पहले जब काम शुरू हुआ था तो धर्मेंद्र को मिथुन चक्रवर्ती वाला किरदार दिया गया था, लेकिन फिर किन्हीं कारणों के चलते वो इस फिल्म में काम नहीं कर पाए। बात करें साल 1994 में आई फिल्म नाराज की, तो साल 1992 में इस फिल्म का नाम कलयुग रखा गया था और इस समय इस फिल्म में अजय देवगन, संजय दत्त और लीजा रे को साइन किया गया था, लेकिन फिर अजय देवगन की जगह अतुल अग्निहोत्री, लीजा रे जो कि मनीषा कोइराला की जगह फिल्म का हिस्सा बन रही थी, उन्हें सोनाली बेंद्रे से रिप्लेस कर दिया गया। साथ ही संजय दत्त वाला किरदार मिथुन चक्रवर्ती के हाथों में आ गया। इस लिस्ट में अगली फिल्म का नाम है अब इंसाफ होगा, जिसके लिए रजनीकांत को अप्रोच किया गया था, लेकिन रजनीकांत ने प्रोड्यूसर्स को 6 महीने रुकने के लिए कहा क्योंकि वो एक हॉलिडे पर जाने वाले थे। प्रोड्यूसर्स ने उनकी बात मान ली, लेकिन फिर कुछ समय बाद रजनीकांत ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और ये फिल्म मिथुन चक्रवर्ती को दे दी गई। अब एक और फिल्म का नाम है द डॉन, जिसके लिए फीस मिथुन चक्रवर्ती ने पहले ही तय कर रखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जैकी श्रॉफ से संपर्क किया गया, परंतु जैकी ने ज्यादा पैसे मांग लिए, जिसके चलते इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को ही कंटिन्यू करना पड़ा। साल 1998 में फिल्म चांडाल में मिथुन चक्रवर्ती ने एक ऐसा किरदार निभाया था जिसे आज भी बहुत से अभिनेता निभाना चाहेंगे, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने सनी देओल को इसके लिए पहले अप्रोच किया था और उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि उन्हें नहीं लगता कि वो इस किरदार के अनुरूप खुद को तैयार कर पाएंगे। सनी के मना करने के बाद इस फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती को अप्रोच किया गया और वो इसके लिए तैयार हो गए। आगे बात करते हैं इस लिस्ट में शामिल 25वीं फिल्म के बारे में, तो सन 2007 में आई फिल्म का नाम पहले वारिस रखा गया था और इस फिल्म में जैकी श्रॉफ काम करने वाले थे, लेकिन फिर किन्हीं कारणों के चलते ये फिल्म मिथुन चक्रवर्ती को मिल गई। लिस्ट में अगली फिल्म है साल 2008 की सी कंपनी, उसके लिए पहले सुनील शेट्टी से बात की गई थी। अब बात करें साल 2010 में आई सलमान खान की फिल्म वीर की, तो सलमान खान ने जब इस फिल्म की कहानी को 20 साल पहले लिखना शुरू किया था तब वो इसमें लीड रोल में संजय दत्त, सोहेल खान वाले किरदार में कुमार गौरव और मिथुन चक्रवर्ती वाले किरदार के लिए अमिताभ बच्चन को साइन करना चाहते थे, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया और अमिताभ बच्चन वाला रोल मिथुन चक्रवर्ती को दे दिया गया। इसके बाद इस लिस्ट में नाम आता है साल 2010 में ही रिलीज हुई रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल 3 का, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती वाला किरदार पहले परेश रावल को दिया गया था, लेकिन उनके मना करने पर ये फिल्म मिथुन चक्रवर्ती को मिली थी। आखिर में बात करते हैं अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी 786 की, जिसका पहले नाम पंजाब का रजनीकांत रखा गया था और सलमान खान को अक्षय कुमार वाले रोल के लिए और अमिताभ बच्चन को मिथुन चक्रवर्ती वाले किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते बात नहीं बन पाई। पर यह फिल्म अक्षय कुमार और मिथुन चक्रवर्ती को लेकर बनी, जो कि कमाल की रही। वैसे मिथुन चक्रवर्ती को आप बतौर अभिनेता 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।